हेलो, ये मैं शाम रोड। आज की वीडियो में हमारे पास है भाई मारुति डिजायर, वो भी आफ्टर मार्केट रेट्रोफिट सीएनजी फिटेड हमारे पास है। अब ओनर से इसका पूरा रिव्यू जानेंगे, हालांकि वो कैमरा के सामने नहीं आएंगे, थोड़ा कैमरा से आए, पर अब पर्सनल लेवल पे हम इसका सारा रिव्यू उनसे ले चुके हैं और मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, वो भी बीच में थोड़ी थोड़ी इनसाइट्स दे देंगे कि भाई इस गाड़ी का रिव्यू कैसा है अगर आपको सीएनजी लगवानी है और कंपनी फिट सीएनजी पे जाना चाहिए या फिर आज की डेट में भी डिजायर आफ्टर मार्केट बेस मॉडल परचेज कर लो या फिर कोई भी मॉडल लेके आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवानी चाहिए, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि BS6 में पासिंग दिल्ली के अंदर नहीं आ रहा, हालांकि गुड़गांव में तो आ चुका है पर दिल्ली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओनर से जाने की भाई डिजायर लेके थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है क्योंकि भाई बिल्ड क्वालिटी का भी इशू है, थोड़ा सा इंजन एंड थोड़ा इसमें और भी इश्यूज रहते हैं जो मारुति के नॉर्मल इश्यूज हैं, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, तो उनसे पूछेंगे। डिजायर लेके भाई कार के अंदर आ चुके हैं, ओनर से भाई हमने पूछ लिया सारी लगभग इन्फॉर्मेशन। तो भाई ये कार लगभग 65,000 किलोमीटर चल चुकी है। इस 65,000 में जो अभी सीएनजी फिट हुई थी वो 40,000 किलोमीटर के अराउंड सीएनजी फिट हुई थी, जो कि लास्ट ईयर नवंबर में, जो इसके ओनर उनकी बहुत ज्यादा रनिंग रहती है, इस वजह से उन्होंने सीएनजी पे शिफ्ट होने का डिसाइड किया था। अब मैंने उनसे पूछा ऐसा सीएनजी में आपको कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं, उनका मतलब सीएनजी में रिस्पॉन्स ठीक था और जब मैं भी पर्सनली कार को ड्राइव कर रहा हूँ कार सीएनजी पे है, पर जो भाई रिस्पॉन्स है बिल्कुल पेट्रोल जैसा दे रहे हैं। अब यही भाई खासियत है मारुति की कार्स की, जो इसकी जो आपको सीएनजी में रिस्पॉन्स देती है वो प्योर पेट्रोल जैसा एक्सपीरियंस देती है। रही बात किट कौन सी कंपनी की लगी, ब्लू गैस कंपनी की इसमें किट लगी है। अभी आगे उसकी इंस्टॉलेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे हो रखे एडवांसर, हाँ ओनर ने यहाँ पे एडवांसर लगवाया, उस वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी और ज्यादा अच्छी यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है। एंड एसी पे भी गाड़ी बहुत ही ज्यादा कम दबी है जैसे सीएनजी पे भी है। एंड उनसे मैंने पूछा कि माइलेज क्या देती है, जब पेट्रोल पे थी गाड़ी भाई 15-16 इजीली सिटी में देती थी ये गाड़ी, यही भाई मारुति की कार्स का पेट्रोल में इतनी अच्छी एवरेज है। अब सीएनजी में बात करते हैं तो भाई सीएनजी जैसे बात करते हैं भाई एवरेज का दे पा रही है सीएनजी पे। अब ये सीएनजी पे जो एवरेज दे पा रही है वो सिर्फ हमें 20 से 25 की एवरेज दे पाती है, हाईवे पे 25 तक दे देती है, सिटी यूजेज में 20 तक इजीली दे पाती है विद एसी। अगर आप सिटी में लाइट फुट ड्राइविंग करेंगे तो इजीली आपको ये 20 की एवरेज देती है और 20 प्लस चली जाती है अगर आपकी ड्राइविंग स्टाइल बहुत रिलैक्स है, पर जब भाई सीएनजी लग जाती है किसी का भी ड्राइविंग स्टाइल इतना रिलैक्स नहीं रह जाता व्हेन कंपेयर टू अ पेट्रोल कार, तो भाई सभी थोड़ा स्पोर्टी ड्राइव करने लगते हैं जैसी कार में सीएनजी इंस्टॉल हो जाती है। एंड उन्होंने एक चीज और मैंने अच्छी देखी है, उनकी ये जो किट है इसलिए मेंटेन्ड है गाड़ी क्योंकि भाई उन्होंने अब सीएनजी लगवा लिया तो वो भाई हर 7 से 8 हजार रुपए जब भी उन्हें नीड लगती है गाड़ी को सर्विस करा देते हैं। सर्विस इन द सेंस बेसिकली बस इंजन ऑयल चेंज करा देते हैं और एयर फिल्टर चेंज कराते हैं ज्योति जी, और बाकी जो थ्रोटल बॉडी है वो अल्टरनेटिव सर्विस पे कराते रहते हैं। इस वजह से उनकी गाड़ी थोड़ी मेंटेन लग रही है मुझे। उसके साथ यहाँ पे वो एक और काम कराते हैं, वो ये है जो सीएनजी की सेटिंग है वो हर वेदर चेंज में जैसे सर्दियों में और गर्मियों के हिसाब से अलग अलग सेटिंग होती है, उन्होंने मेरे को ये चीज बताई है, तो इसकी सेटिंग भी हर सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से अलग अलग करा लेते हैं, तो इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस इतनी मेंटेन्ड वो बता रहे हैं। सीएनजी की सेटिंग हर 6 महीने में वो करा लेते हैं तो इस वजह से इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आ पा रही है गाड़ी में। पहले तो एक बार को मैं शौक हो गया था कि गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है सीएनजी पे, और भाई आप लोगों के पास भी अगर स्विफ्ट या फिर डिजायर है सीएनजी पे तो फिर आप लोग भी बताना कि आप लोगों का कैसा रिव्यू है, अगर आपने सीएनजी पे आप उसे चला रहे हो कि आपको कैसा रिव्यू दे रही है वो गाड़ी और कैसे चल रही है। अब बात करते हैं ओनर के साथ, अब इस गाड़ी के साथ कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, अब उन यूनिक एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे कि क्या क्या वो यूनिक एक्सपीरियंस हुआ है। एक तो थोड़ा मारुति की सर्विस रिलेटेड यूनिक एक्सपीरियंस था, वो भी मैं शेयर करूंगा, साथ में एक थोड़ा गियरबॉक्स को डैमेज करने वाला यूनिक एक्सपीरियंस था, वो भी मैं अभी इसी वीडियो में। भाई एक जो प्रॉब्लम ओनर को जो हो गई थी, हालांकि कंपनी की कोई गलती नहीं है इसमें, जो उन्होंने मैट्स लगवाए थे आफ्टर मार्केट, अब इस पे भाई उन्होंने 40-50 हजार किलोमीटर चला चुके थे तब तक गाड़ी, तब उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई ये जो मैट की वजह से ना भाई क्लच बुक का बहुत ज्यादा हैंडल हो रहा था और ये भाई गियरबॉक्स को धीरे धीरे डैमेज कर रहा था, मतलब एक तरह का स्लो पाई थे ना भाई हमारे गियरबॉक्स के लिए, चीज क्लच के लिए भी उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, तो उनको ये लेटली रियलाइज हुआ, तो फिर भाई उन्होंने इसको भाई अब जो इसका मैट थोड़ी सी कटिंग कर दी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैट हो जो आपके क्लच के वे में हैंडल कर दो आप उसमें कटिंग कर दो और या फिर आप मैट चेंज करा लो, कंपनी के जनरल मैट लगवा लो या फिर कोई ऐसे मैट लगवाओ जो आपके क्लच के वेट को हिंडर ना कर रहे हो, ये तो भाई उन्होंने बहुत बड़ी रिकमेंडेशन बताई। और दूसरा एक थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस उनका ये था, अब जैसे ही उन्होंने नई नई कार थी 2-3 महीने गाड़ी पुरानी थी, अब थोड़ा वो कहीं ड्राइव कर रहे थे एकदम से एक पत्थर नीचे आ गया था तो वो पत्थर गाड़ी के नीचे लग गया था, तो उस वजह से जो इसका फ्यूल पंप था, फ्यूल पंप बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, उस साइड पे वो पत्थर लगा था तो फ्यूल पंप तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था पर जो इसका फ्यूलिंग वॉल का गेज था जो कि पेट्रोल दिखाता है पेट्रोल की इंडिकेशन थी वो प्रॉपर्ली काम कर रही थी, कभी ज्यादा दिखा रही थी कभी कम दिखा रही थी, हालांकि ये सोली तो भाई कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं है पर कंपनी को भी थोड़ा इंजन अंडर प्रोटेक्शन ऑफर करनी चाहिए भाई, हल्के से भी पत्थर से ऐसे नहीं टूटना चाहिए, पर भाई इसमें अब कंपनी की भी कोई गलती नहीं है, ये भाई एक तरह का एक्सीडेंट टाइप हो गया छोटा, पर भाई अब क्या होता है ओनर ने भाई पहले तो सर्विस सेंटर गए तो उन्हें भाई इधर उधर करने लगे कि भाई वारंटी में कवर नहीं हो, जो होना भी नहीं चाहिए, इंश्योरेंस में भी ये चीज कवर नहीं होती अगर आपका ऐसा कोई डैमेज, अगर ऐसे डैमेज आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने तो उसके लिए आपको अलग से एडवांस कराने पड़ते हैं। तो भाई पर जो वहां पे जो एक्सपीरियंस था, अब ओनर भाई रेडी थे पेमेंट करने के लिए पार्ट की, उन्होंने बोला भाई आप मुझे पार्ट दे दो, आप मेरा पार्ट गाड़ी में इंस्टॉल कर दो, जितनी भी पेमेंट बनेगी, और जो उसका फ्यूल पंप था 20,000 रुपए का था तो उन्होंने कहा भाई
20,000 का फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप लगा दो, मैं पेमेंट देने को तैयार हूँ। पर भाई वहाँ क्या होता है भाई, कंपनी में भाई वो उनके पास पार्ट था नहीं, ओनर को भाई उन्होंने कह दिया कि आप आ जाना थोड़े टाइम बाद, तो वो पार्ट बाद में इंस्टॉल करा लेंगे। पर भाई क्या होता है, उन्होंने जॉब कार्ड पे ये लिख के दे दिया कि भाई पार्ट हमारे पास था, मतलब उन्होंने ये लिख के दे दिया कि ओनर ने डिनाई कर दिया पार्ट इंस्टॉल कराने को। भाई जो भी गाड़ी होती है सर्विस रिकॉर्ड जब रीसेल में जाती है तो भाई उसका सर्विस रिकॉर्ड इसलिए चेक करता है कि भाई उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी करी है, तो भाई उस चीज़ में ये भी लिखा है कि उन्होंने एक टाइम मना करा था फ्यूल पंप को बदलवाने को, तो इस वजह से थोड़ी रीसेल भी हैम्पर होती है, थोड़ा कंपनी में गाड़ी का रिकॉर्ड भी करता है। तो भाई ओनर को भाई इस चीज़ पर बहुत बुरा लगा। और भाई जो गलत भी है, अगर जेन्युइन रीजन लिखो भाई, अगर आपके पास पार्ट अवेलेबल नहीं है, ओनर जबकि प्राइस देने को रेडी है पार्ट का, पर फिर उन्होंने क्या किया, कंपनी में ईमेल डाल दी कि भाई ऐसे ऐसे आपकी वर्कशॉप पे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि फॉल्स रीजन लिख रहे हैं, झूठ लिख रहे हैं, और उसके बाद उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, और उन्होंने रूड भी बिहेव करा था ओनर के साथ जबकि वो प्राइस देने को तैयार थे चीज का। तो भाई एक ये उनको दो नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिले। पर भाई फिर कंपनी भाई ईमेल करो तो भाई इतना बढ़िया रेजोल्यूशन मिला है, आप जो सर्विस सेंटर में था भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो पार्ट चेंज हुआ, तो ये एडवांटेज होता है ईमेल करने का। और आपको भी अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है भाई, आप भी ईमेल करके देखो, आपको जरूर अच्छा सा जस्टिफाइड, हालांकि इसमें कंपनी का बनता नहीं था पे करना, पर जो कंपनी का बिहेवियर था, जो सर्विस सेंटर की गलती थी भाई, उसकी वजह से पे करना पड़ा। तो भाई ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती है जो सर्विस एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। अब इससे ये प्रूव होता है कि भाई जो भी दिक्कतें आती हैं सर्विसेज में वो भाई कंपनी एंड पे नहीं है, वो डीलरशिप एंड पे है, आपके डीलर पे डिपेंड करता है आपका डीलर कैसे। अब जैसे डीलरशिप की सोली गलती थी कि उनके पास पार्ट नहीं था और उन्होंने गलत रीजन लिखा। अब ऐसा भी होता है अगर डीलरशिप वालों के आगे अगर आप लिख दोगे कि उनके पास पार्ट अवेलेबल नहीं था, कंपनी भी जस्टिफाइड रीजन मांगते हैं, भाई आपने एफिशिएंट स्टॉक मेंटेन क्यों नहीं करा था, कस्टमर आया उसे प्रॉब्लम हुई। जो डीलर जो सर्विस सेंटर है, सर्विस नेटवर्क है, उस पर भी क्वेश्चन उठता है जो उसके डीलरशिप नेटवर्क है, इस वजह से उन्होंने झूठ रीजन लिखा। तो भाई अब फिर मारुति ने भाई फ्री रेजोल्यूशन कराया और फ्री में बिल्कुल पार्ट चेंज हुआ। तो भाई आपको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कोई इशू फेस हो रहा है अपनी गाड़ी के साथ, भाई आप भी ईमेल करके आप उसका रेजोल्यूशन पा सकते हो और आपको बहुत अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा। ये तो एक ये एक्सपीरियंस था उस ओनर का। तो अब भाई यही था एक छोटा सा रिव्यू डिजायर सीएनजी का, आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट में बता देना। जो ये एक्सपीरियंस था भाई, एक बार को तो मैं सुनकर हैरान हो गया था कि ऐसे कंपनी ने फ्री में पार्ट चेंज कर दिया, क्योंकि भाई कंपनी भाई 200 रुपए का लाइमर तो भाई फ्री करती नहीं है भाई, पूरा फ्यूल पंप 20,000 रुपए का चेंज कर देता, भाई ये थोड़ी हैरान की वाली बात थी। तो अब करता हूं आपको वीडियो पसंद है, पसंद है तो फटाफट कमेंट में बता देना आपको वीडियो में क्या कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है। इसके बाद वीडियो को मैं एंड करता हूं। एज अ रिजल्ट सबका सबसे फास्ट स्टार्टअप है।